हेलो दोस्तों, मैंने आपसे पहली वीडियो में एक में बात की थी कि हम नेचर से क्या क्या ले सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है हमारे यार्ड में या कबाड़ में, एक हमारे यहाँ भी एक लकड़ी पड़ी हुई थी, काफ़ी गल सड़ रही थी, पर थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई और मैंने अभी लकड़ काट ली है। पहले मेरे माइंड में था नहीं कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मेरे माइंड में ये था कि मैं वीडियो ये पूरा कंप्लीट कर कर जितना भी प्रोसेस है फिर उसकी वीडियो बनाऊंगा। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमें वेस्ट मटेरियल से कैसे कुछ क्या 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 तैयार कर सकते हैं, और अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना है, तो शायद ये वीडियो जनवरी में डले या फरवरी में भी हो सकता है, शायद पहले भी दिसंबर में भी डल सकती है, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। प्रोसेस लंबा तो नहीं होगा क्योंकि मैं इस पर काम लगातार तो नहीं कर पाऊँगा, यानी कि डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर इस पर काम होगा। अब मैं दिखाऊँगा इसके इसमें मैं क्या चीज़ बना सकता हूँ। ये भी यहाँ से मैंने लकड़ी काटी है, इसका देखना अब क्या चीज़ बनेगी। ये देखो, नेचर से जैसे दीमक ने खाया हुआ है, इसको बिल्कुल खाखी है। वे स्टैंड में बिल्कुल ये सीधा खड़ा होगा और दिखाऊंगा मैं आपको पूरा अभी क्या क्या बनेगा। ये आगे की वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, इसके साथ ही अटैच होगी वो, क्योंकि ये क्लिप छोटे छोटे बनेंगे और एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों अब इसका प्रोसेस होगा क्लीनिंग का, अब इसको पूरा क्लीन करेंगे जितना भी है। इधर साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ऐसा होगा। अभी कुछ चेंजेस करूंगा मैं, नीचे स्टैंड लगाऊंगा लकड़ी का खिलारने के लिए। ये देखें यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, शायद देखो कुछ रखूँ कोई चीज़ या कुछ ऐसा कुछ करूंगा ज़रूर मैं। अभी ऐसा अभी क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं, क्लीनिंग कर कर फिर देखते हैं क्या करते हैं इसका। अब तो हो गया ये बिल्कुल ही क्लीनो क्लीन, बिल्कुल ही साफ़ कर दिया, जितना भी कीड़ा मकोड़ा था दीमक लगा हुआ था सब कुछ साफ हो गया है। अभी मैं इसको तकरीबन 10-15 दिन के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगा सूखने के लिए, एंड बिल्कुल जब सूख गया फिर इस पे काम शुरू होगा। वो काम होगा क्लीनिंग का, क्लीनिंग का यानी कि इसको रेग मार से थोड़ा थोड़ा इसकी सफाई करेंगे जो बिल्कुल मुलायम हो जाए, उसके बाद इस
देखना आगे का प्रोसेस मैं क्या करता हूँ, आगे का प्रोसेस देखने वाला होगा। एंड बिल्कुल ही साफ, इसमें चमक आ जाएगी शीशे जैसी। हेलो दोस्तों, अब हमारा काम शुरू होगा इसका सफाई का। आपने रेग मार्ग लेना है 220 नंबर, जिससे इसकी सफाई होगी, पूरा मुलायम हो जाएगा। और चलो शुरू करते हैं सफाई। सफाई का प्रोसेस कम से कम आधा पौना घंटा होगा। मैं एक दो मिनट की ये क्लिप दिखाऊंगा आपको। इसकी क्लीनिंग तो हो गई है बिल्कुल पूरी, थोड़ी बहुत मैं बाद में और करूँगा जितनी भी हो सके, जहाँ जहाँ पे रहेगी है। अब नीचे मेन काम होगा नीचे इसका स्टैंड का, नीचे स्टैंड बनेगा इसका प्रॉपर, इसको खिलारने के लिए। यहाँ पे भी शायद मैं थोड़ा बहुत काम करूँ। अब जो मेरा अगला प्रोसेस है वो है इसकी पॉलिश का, जो मेन काम है इसकी पॉलिश। आप पॉलिश के बाद देखना, आपको वो भी बताऊँगा कौन सी पॉलिश करनी है। वो वाटरप्रूफ होती है, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। पॉलिश करने के बाद ये शीशे की तरह चमकेगा। असल काम तो इसका जो लुक बनेगी वो पॉलिश करने के बाद बनेगी और स्टैंड लगने के बाद। इस पर सोचता हूँ मैं क्या अभी करना है, अभी क्या नहीं, वो बाद में क्लिप मैं जोड़ दूँगा साथ। दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद मैं इस पर काम करने जा रहा हूँ, जो आप लेफ़्ट हैंड में देख रहे हैं इस हेड पे, इसलिए मैंने किया। मैंने आपको बोला था कि इसमें जो लेफ़्ट हैंड में मैं कुछ ऐसा ऐड करूँगा कि थोड़ा अच्छा लगे देखने को। थोड़ा नीचे था वो, मैं दिखाता हूँ मैं क्या ऐड किया है। ये चीज़ मैंने ऐड कर दी है, जो लेफ़्ट हैंड में आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ मैंने ऐड कर दी है। और काफ़ी समय के बाद मैं इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ, तो अभी तो इसको कंप्लीट कर ही दूँगा। बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आपको, ऐसे भी आप देखें जी कितना अच्छा लग रहा है। ये इंडोर रखने के लिए है। और अभी मैं इसके ऊपर टचवुड करने जा रहा हूँ, जो पॉलिश होती है उसका प्रोसेस मैं दिखाऊंगा आपको। तो काफ़ी मेहनत लगी है और मैं काफ़ी सोचने के बाद इसको, जो लेफ़्ट हैंड में आप देख रहे हैं वो पहले नीचे था, उसको ऐड किया है। सोचने के बाद मैंने जिस जहाँ से मैंने ये लकड़ी अपना काट कर लाया था, जो राइट हैंड में बड़ी है, उसके जो टाना जो बचा हुआ था, जो टानी बची हुई थी, उसमें ही मैंने लेफ़्ट हैंड वाली काट कर इसके ऊपर अटैच कर दी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं कहने कैसे अटैच की है। ये देखें, ये तो काफ़ी टाइम पहले ही मैंने अटैच कर दी थी, अभी इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ऐसे मैंने अटैच कर दी है। इसके बीच मैंने स्क्रू लगाया था यहाँ से और यहाँ तक। फिर इसको मैं बरादे से भर दिया है फेविकोल लगाकर। बरादा जो लकड़ी का बरादा होता है उसमें फेविकोल मिलाकर एक तरह की वो लकड़ी ही बन जाती है। अभी इसके ऊपर टच वुड होगी तो पॉलिश होगी तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, यानी काफ़ी डिटेलिंग में इसके ऊपर काम होगा। और मैं एक बात और बताता हूँ, इसके एक सरप्राइज़ और है इसके ऊपर। वो मैं जब कंप्लीट हो गया, इंडोर में रख दिया, फिर दिखाऊंगा मैं क्या सरप्राइज़ होगा, देखने वाली चीज़ होगी, वो भी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ऐड की है इसका, जो नीचे आप स्टैंड देख रहे हैं, जैसे ये खड़ा हुआ है, लकड़ी का स्टैंड लगाया हुआ है, इसमें मैंने अपना स्क्रू लगाया हुआ है, काफ़ी मोटा लगाया हुआ है और बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, जितना हिलाने पे भी नहीं है हिलेगा, काफ़ी मजबूत बन गया है। तो बाकी की वीडियो मैं आगे दिखाऊंगा अभी क्या प्रोसेस होगा। दोस्तों अभी इसकी जो प्रोसेसिंग है पॉलिश की, वो शुरू होने वाली है। इधर मोटर चल रही है जो इसको हवा देगी पॉलिश करने के लिए। ये सामान पड़ा हुआ है कुछ, ये है हमारा, मेरे पास पहले पड़ा हुआ था यो, ये है। अभी इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक मैं चीज़ और ऐड करने लगा हूँ इसमें, एक कलर और ऐड करूँगा, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। एक तो ये करना है, ये थोड़ा सा डार्क करने के लिए है, इसको जो लाइट है हल्का सा डार्क हो जाएगा। ये वुडन कलर होता है, बहुत अच्छा होता है, ये एशियन पेंट का आता है, वुड स्टैंड। तो अभी एक कलर और ऐड करना है मैंने, वो मैं दिखाता हूँ बाद में जब करूँगा।
दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जितना है, अंदर को जितना भी ये निकला हुआ है, इसकी डूंगाई है। ये वाली थोड़ी मैं डार्क करने जा रहा हूँ, भी डार्क यानी कर रहा था अभी, वो वीडियो तभी बना रहा हूँ। ये सारी जितनी भी है सभी डार्क करूँगा कि हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट करने के लिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला सारा हिस्सा जो ये ना वुडन कलर आता है पॉलिश के लिए, वो कलर होता है, वो ये जितना भी हिस्सा है सारा हाईलाइट हो जाएगा। ये बार वाला जितना है थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे, ये नहीं करना है। तो ये जितना भी हिस्सा है इसको सारा डार्क करेंगे। ये वाला तो हो गया, इधर थोड़ा सा अभी मैंने इसको हल्का सा डार्क कर दिया है, ये हल्का हल्का सा डार्क कर दिया है। बाकी प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको। अभी एक कलर थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं, गोल्डन, हल्का हल्का सा, बहुत ही लाइट लाइट सा गोल्डन कलर ऐड करूँगा इसके बीच। उसके बाद जब पॉलिश होगी ऊपर शाइनिंग ग्लॉसी, तो बीच में गोल्डन इतना अच्छा चमकेगा कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा शो पीस बनेगा इंडोर के लिए। दोस्तों इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा लाइट कलर गोल्डन कलर दे दिया है, बहुत ही लाइट लाइट सा किया है। ये देखें अभी तो ये लग रहा है, अब इसके ऊपर अब जब पॉलिश होगी ना ये, तो बहुत ही जब गैन ग्लॉसी हो जाएगा तो गोल्डन कलर बीच में बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगा। जब इसके ऊपर इंडोर लाइट पड़ेगी तो और ही ज़्यादा गोल्डन कलर चमकेगा, इसलिए मैंने गोल्डन कलर किया है। तो ये था ट्विस्ट जो मैंने आपको बोला था अभी गोल्डन कलर करूँगा करना था। तो अभी लास्ट ट्विस्ट तो मैं एंड में बताऊँगा, जो इंडोर रखूँगा लास्ट क्लिप होगी वो, उस पर आप देखना क्या चीज़ करने आ रहा हूँ मैं ऐड। ये बैक से भी दिखा देता हूँ मैं इसको, ये है इसकी बैक, ये हल्का हल्का सा गोल्डन दिया हुआ है, ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो जब इसके ऊपर पॉलिश होगी शाइनिंग वाली ग्लॉसी तो बहुत ही ज़्यादा चमकेगा ये। तो अभी मैं दिखाता हूँ बाद में, देखो अभी धूप में किया कितना चमकने लग गया ये। अभी सेकंड कोट के बाद दिखाता हूँ मैं और कितना चमकाएगी इसमें। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो इसमें गोल्डन कलर की है ना, और देखो इस ऐसे शाइनिंग मार रहा है जैसे एंड सोने की तरह लग रहा है। ये देखो पूरी धूप में कैसे ये चमका रही है ऐसे, ये चमक रहा है। अभी सेकंड कोट कंप्लीट हो गया है, शायद इसमें एक कोट मैं और कर दूं, अभी करूंगा आधे घंटे के बाद। ये हो गया सेकंड कोट हो गया है एंड पूरी चमक आ गया इसमें। अभी इसमें दो कोट कंप्लीट हो गए हैं, ये देखें इसकी शाइनिंग,
बहुत ही ज़्यादा चमक आ गई है इसमें। अभी इंडोर तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा चमक आएगी। तो लास्ट विश तो अभी इसमें बाकी है, वो इंडोर में दिखाऊंगा मैं लास्ट में। ये देखें, दोस्तों ये है इसकी लोकेशन जहाँ पर मैंने रखना था इसे। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एंड पूरी इस पर शाइनिंग है, ग्लॉसी है, और गोल्डन कलर भी इसमें जो मैंने टचिंग दी थी वो बहुत अच्छी लग रही है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये इसकी लोकेशन आ गई है। बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है, आप देख ही रहे हैं। और काफ़ी कुछ मैंने इस पर चेंजेस किया है शुरू से लेके, जब से बनाना शुरू किया था तब से इसे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मैंने की है, आप पूरी वीडियो में देख ही रहे थे। तो मैंने आपको एक ट्विस्ट बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाऊंगा इस पर कि क्या चीज़ है ये। और अभी देखना, अभी ये चलेगा, ये देखें, ये था वो लास्ट वाला ट्विस्ट। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई इसमें कोई चीज़ बर्न हो रही हो, आग जल रही हो, और लावा जैसा भी दिख रहा है, कोई लावा जैसे आप देख रहे हैं ना, लावा निकलता है जैसे, ऐसी चीज़ लग रही है ये। ये मेरा फाइनल टच था, जो ट्विस्ट था कि मैं आपको कुछ ऐसा कर दिखाऊँगा। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये थी वो चीज़ मैंने जो आपको, इधर से भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये होल था इसमें, जैसे कैसे आग की तरह ही चल रहा है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, और आपको दिख ही रहा है कितना सुंदर लग रहा है। अभी आपको मैं पूरे अंधेरे में दिखाऊंगा ये कैसा लगता है, अभी देखना। ये था देखो, ये ऐसे, क्योंकि इस पर थोड़ा हल्का सा वो लग रहा है। और अभी मैं ये लाइट बंद करके सोई, अभी देखना हल्का सा चलना पड़ेगा कैसा लगेगा ये। ये देखें, ये था। और बहुत ही प्यारा बना है पीस, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इसमें बहुत ही कुछ मैंने ऐड किया है, आपको पता ही है, शुरू से आप वीडियो देखना, आपको पूरी डिटेलिंग इसकी में पता चलेगी। और मैं आपको, और आप मुझे ज़रूर बताना, मेरी इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं इसे कभी लगातार तो काम नहीं किया, मैं अक्टूबर का इसमें काम कर रहा था। अभी देखो, अभी 6 महीने हो गया, 6 महीने में मैंने कंप्लीट किया है। ऐसे नहीं मैं हर रोज़ करता था, कभी महीने बाद लग जाता था, आधा घंटा पौना घंटा देता था इसे 2-4 दिन के बाद। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात और थी कि ऐसे पीस मेरे पास 5-6 और बने पड़े हैं, सेम शेप तो ऐसी नहीं है, और अलग अलग शेप में हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले बनाए थे, उसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा। और 2 टाइम पीस बनाए थे लकड़ी के, बहुत काफ़ी खूबसूरत हैं, नेचुरल लकड़ हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं। और 2 झूमर लकड़ी के बनाए थे, वो भी मैं 5-6 साल पहले बनाए थे, काफ़ी बहुत सुंदर लगते हैं। और उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, सभी की एक साथ ही बनाऊंगा, जितने भी अंदर पीस पड़े हुए हैं अलग, शायद अलग अलग भी अपना कर सकता हूं, और शायद एक साथ भी बना सकता हूं। और अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, बाय।